विच कंट्री इज बेटर, इंडिया या पाकिस्तान? ऑफिशियली पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे साथ जो भारत ने किया आप खुद जानते हैं, सैलाब आया हुआ है और इतने अफराद हमारे पाकिस्तानी जो हैं आज मुश्किल में हैं उन्हीं की वजह से हैं, तो ऑफिशियली हम जब पाकिस्तानी हैं तो हम उसी को ज़्यादातर मच बेटर, हमारा पाकिस्तानी से मच बेटर। डेवलपमेंट कहाँ पर ज़्यादा हुई है, इंडिया पे या पाकिस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तान, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए, ठीक है 75 साल, लेकिन आज वहाँ पे क्या वहाँ ही है और इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है? नहीं, हमारे पाकिस्तान ने भी बहुत तरक्की की है, क्यों नहीं की? पाकिस्तान एब्सोल्युटली। व्हाई? इट्स आवर कंट्री। अगर जल्दी कुछ सालों में आपको आप पाकिस्तान को आगे देखेंगे, ये कंट्री डेवलप होगा, मुझे जल्दी आप इन कुछ सालों में ही ना पाकिस्तान को देखेंगे बरूज में। कितने साल? चंद साल में, ये कुछ साल में। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इंडिया के बारे में? इंडिया बस हमसे पीछे जाने वाला है। तो जी पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत को वो पीछे छोड़ देंगे, कुछ दो साल में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगा, क्योंकि अब तक भी जो पाकिस्तान की नाकामी है, पाकिस्तान में जो गलतियाँ हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया का हाथ है। इंडिया पाकिस्तान को उभरने नहीं दे रहा, पाकिस्तान को आगे नहीं जाने दे रहा, लेकिन दो साल बाद पाकिस्तान तरक्की कर लेगा, 100% कर लेगा। मैं नहीं बोल रहा भाई, पाकिस्तान के मदरसों के स्टूडेंट बोल रहे हैं, क्योंकि मदरसों में उनको यही बातें पढ़ाई जाती है कि इंडिया उनसे बहुत पीछे है, इंडिया को उन्होंने बीट कर दिया है, इंडिया तो एक गरीब मुल्क है, और ये बात आपको यकीन हो जाएगी आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कम्प्लीट की। अभी इस टाइम यहाँ पे? इस टाइम बरकत मार्केट में खाना खाने आए थे। खाने के लिए यहाँ पे? अपनी किसी गर्लफ्रेंड को लेके? नहीं, हम दोस्तों के साथ होते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं रखते। जी शादी हो गई आप? नहीं। चले आपसे अपने टॉपिक की तरफ हम आते हैं, तो विच कंट्री इज बेटर, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया। व्हाई? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ हर बंदे के लिए ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में नहीं है ये चीज़। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी होनी चाहिए? पाकिस्तान में ये चीज़ें होनी चाहिए, हम तो कहते हैं, करते आ भी रहे हैं लोगों के। बट क्यों नहीं है? अब ये तो हमारे पॉलिटिशियंस पे, आर्मी पे, इन पर डिपेंड करता है कि क्यों नहीं है ये चीज़ें। तो लेकिन इंडिया है, उसमें क्या चीज़ ज़्यादा डेवलप है? आप अगर इंडिया के इंजीनियर्स को देखें, बेसिकली मेरी अपनी फील्ड आप देखें, तो वो दुनिया में आजकल उनका नाम है, पाकिस्तान के इंजीनियर्स को कोई पूछता तक नहीं है। तो उनका स्टडी सिस्टम, उनके पॉलिटिक्स, उनकी आर्मी, हर चीज़ अपने अपने ट्रैक पे चल रही है। तो स्टडी सिस्टम आपने कहा है, तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं बैठे? असल में हमारे पाकिस्तान में एक ये चीज़ है कि किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो दो वाइस चांसलर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ पे बने हैं। तो आर्मी को तालीम की बेसिकली पता ही नहीं होता कि तालीम किस साइड पे लेकर जानी है। आप हमारे HEC के एजुकेशन सिस्टम में देख लें तो कोई लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ पे बैठा होता है, कोई आप वाबड़ा में देख लें। तो इस वजह से मुल्क तरक्की की तरफ कभी नहीं जा सकता जब आप एक नाअहल बंदे को इस पोस्ट पर आप रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को बेटर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले पाकिस्तान को बेटर करने के लिए तालीम का बेटर होना ज़रूरी है, और तालीम बेटर कैसे होगा? जब हमारे ये जो इदारे हैं, कुछ हमारे जैसे आपकी आर्मी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, ये बेहतर होती है, उसके बाद जाके आपके तालीमी सिस्टम, सारा आपके सिस्टम ठीक हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया आपने कहा बेटर है, तो इसमें आवाम का या फिर जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उनका है? नहीं, बेसिकली हम इंडिया सिस्टम को, आप अगर मुल्क की बात करते हैं तो वो सिस्टम की बात होती है, सिस्टम को आप चैलेंज करते हैं, ये नहीं होता कि आप मुल्क की एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुल्क ठीक है, ये मुल्क ज़मीन का नाम नहीं है, बेसिकली ये सिस्टम का नाम है, तो सिस्टम वहाँ के ठीक है। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम बेटर होने के लिए कितनी देर लगेगी? सिस्टम ठीक करने में तो बेसिकली साल भी लग जाते हैं, दो भी लग जाते हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम ठीक करने की कोशिश की जाए, आपने तुर्की देखा है, हम पाकिस्तान से बहुत पीछे था, लेकिन वो सिस्टम ठीक करने के लिए उनको 5 साल भी पूरे नहीं लगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान किसके लिए कि पैगाम वगैरह? मेरा तो पाकिस्तानियों के लिए यही पैगाम है कि भाई हर बंदा सोशल हो, हर बंदा अपनी सोच बेहतर करे, पाकिस्तान के बारे में सोचे, दुनिया को देखे, इस सिस्टम के बारे में देखे, आवाज़ उठाए कि भाई ये चीज़ गलत है, अगर गलत है कुछ तो उसको गलत बोले, ठीक है तो उसको ठीक बोले। ऑफिशियली पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे साथ जो भारत ने किया आप खुद जानते हैं, सैलाब आया हुआ है और इतने अफराद हमारे पाकिस्तानी जो हैं आज मुश्किल में हैं उन्हीं की वजह से हैं, तो ऑफिशियली हम जब पाकिस्तानी हैं तो हम उसी को ज़्यादातर मच बेटर, हमारा पाकिस्तानी से मच बेटर। अगर हम देखा जाए कि डेवलपमेंट के लिहाज से, वैसे भी अगर अदर लिहाज से देखा जाए तो कौन सी कंट्री बेटर है, अगर डेवलपमेंट में तो पाकिस्तान से ज़्यादा वो है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं?
कि डेवलपमेंट कहाँ पे ज़्यादा हुई हुई है, इंडिया पे या पाकिस्तान? पाकिस्तान। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए, ठीक है 75 साल, लेकिन आज वहाँ पे क्या वहाँ ही है और इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है? नहीं, हमारे पाकिस्तान ने भी बहुत तरक्की की है, क्यों नहीं की? हर जगह पे ज़रूरी तो नहीं है कि वो इंडिया है, वो उन वहाँ पे ये है कि महंगाई कम है, हमारे पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा, इसी वजह से हमारा पाकिस्तान जो है ज़्यादातर ना प्रोवाइड नहीं कर रहा तो। लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं उनके, हम इंडिया की ज़्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन इंडिया वाले पाकिस्तानियों कितनी को रिस्पेक्ट नहीं देते जितना हम इंडिया वालों को रिस्पेक्ट देते हैं। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हम एजुकेशन लेवल देखा जाए, इकोनॉमिकल लेवल देखा जाए तो इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हाँ ये है। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये डेवलपमेंट हो सकती है पाकिस्तान में, जब एजुकेशन की भी देखी जाए? जब इंडिया और पाकिस्तान की आपस में सुलह होगी, और हम यही चाहेंगे कि वो आपस में सुलह कर लें, और इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है, मासूम जाने जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो पानी में बह गए हैं, इतना कुछ हो गया उनके साथ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये आपस में सुलह सफाई कर लें, और ना ये जो है पानी वगैरह ये बंद कर दें, और हमारे पाकिस्तान के ऊपर हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें। पाकिस्तान एब्सोल्युटली व्हाई? इट्स आवर कंट्री। अगर वैसे भी डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए, बाकी दूसरे सिस्टम्स के हवाले से देखा जाए तो क्यों पाकिस्तान प्यारा है इंडिया से? प्यारे की नहीं, डेवलपमेंट इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बना लिया है, ठीक है, और भी वो हर लिहाज से बहुत ऊपर है पाकिस्तान से, तो आपको क्या लगता है क्या वजह? वहाँ जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है वो बिल्कुल ही ज़मीन पर है। यहाँ पर तो आवाम के पास पैसा, वहाँ की हुकूमत के पास पैसा है। जी तो हुकूमत के पास पैसा की डेवलपमेंट वहाँ बहुत हो रही है, एजुकेशन के हवाले से देखा जाए या किसी और रीज़न की वजह से देखा जाए तो वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत है पाकिस्तान की नस्बत। जी ये बात तो है, लेकिन पाकिस्तान में उनसे ज़्यादा पीछे नहीं है। क्यों? जल्दी कुछ सालों में आपको आप पाकिस्तान को उनसे आगे देखेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की क्या वजह जो पाकिस्तान अभी तक डेवलप नहीं हो सका? ये बस हुकूमत की नालायकियों की वजह से। हुकूमत तो इंडिया का ये है कि इंडिया में कौन सी आवाम है कि आवाम से ज़्यादा है उनकी बेहतर है या फिर जो उनके हुक्मरान है वो? उनकी उनके हुक्मरान कुछ हद तक सही हैं, आवाम नहीं। नहीं तो अगर पाकिस्तानियों में क्या कमी है? पाकिस्तान में ये है कि जैसे आवाम वैसे ही हुक्मरान, यहाँ तो आवाम ही हमारी नालायक है तो हुक्मरान भी हमारे नालायक ही होंगे। जी तो आप कुछ कहना चाहेंगे हुक्मरान के लिए हमारे? बस कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है कि कब तक ये कंट्री डेवलप होगा? मुझे जल्दी आप इन कुछ सालों में ही ना पाकिस्तान को देखेंगे बरूज में। कितने साल? चंद साल में, ये कुछ साल में। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इंडिया के बारे में? इंडिया बस हमसे पीछे जाने वाला है अब तो। इंडिया पाकिस्तान से पीछे जाने वाला है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान दो साल में तरक्की कर लेगा, ये झूठ बोला जाता है पाकिस्तान में बच्चों को, औरतों को, सब पाकिस्तानियों को झूठा एक चीज़ें पढ़ाई गई है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान बहुत तरक्की वाला देश है। वो बेचारे ना तो उनके पास न्यूज़ है देखने को, ना फ़ोन में है, कुछ नहीं है उनके पास देखने को, बस उनके हुक्मरानों ने झलसे में बता दिया कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम आगे निकल चुके हैं इंडिया से, तो इस चीज़ को मान लेते हैं, वो इस चीज़ को क्रॉस चेक नहीं करते कि हमारे हुक्मरान सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं या हम सच में इसी सिचुएशन में हैं। दूसरा, पाकिस्तान वालों में जो भी गलती होती है भाई, जो भी मतलब पाकिस्तान में गड़बड़ होती है, इंडिया का हाथ होता है उसमें, इंडिया की वजह से होता है। वहाँ के जो हुक्मरान है भाई अपनी गलती जो है भंडा फोड़ देते हैं इंडिया के ऊपर। पाकिस्तान में बाढ़ आई बोलते सैलाब आया, डैम नहीं था उनके पास, प्रॉपर सिस्टम नहीं था उनका, लेकिन गलती किसकी? इंडिया की। कहती है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, अरे भाई हमें अपनी ज़रूरत का चाहिए वरना हमारे यहाँ पर पहाड़ आ जाएगी भाई, समझ में आई बात? तुमने उसकी तैयारी नहीं करी, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, उसमें भी इंडिया की गलती है। पाकिस्तान कहीं विदेशों में जा रहा हो बेचता तो रहा, उसमें भी इंडिया की गलती है। पाकिस्तान को कोई लोन नहीं दे रहा, उसमें भी इंडिया की गलती है। पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे, छोड़ो इस बात को छोड़ो, क्या कहूँ यार तुम्हें मैं भाई, मदरसे से निकलो पढ़ लो कुछ, पढ़ जाओगे कुछ देश के लिए कुछ कर जाओगे, देश अपने आप ठीक नहीं होगा, कोई जादू मंत्र नहीं हो जाएगा इसमें, तुम्हारे जैसे जो युवा है यही जाके देश को आगे ठीक करने वाले हैं। अगर तुम ऐसी सोच रखोगे तो भाई तुम्हारे बेटे पोते भी इसको ठीक नहीं कर पाएंगे।
तो जी आप इसके बारे में क्या सोचते हो भाई, पाकिस्तानियों के लिए क्या राय आप देना चाहोगे, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियोज हम लेकर के आते रहते हैं, हमारे चैनल पर आती रहती है, सुबह शाम और दिन में भी आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमें इंस्टाग्राम पर एनएक्सजी वर्ल्ड मीडिया करके आप हमारा एनएक्सजी हैंडल है वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।